नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, कल अपन ने कूलम लॉ कंप्लीट किया है ना? कूलम लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था कल? ये लास्ट अपना स्क्रीन है जो अपन ने कल पढ़ी थी। आज अब इसके आगे है ना? तो कूलम लॉ में आगे क्या पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, यानी कूलम लॉ का अब आज अपने को पढ़ना है सदिश रूप। ठीक है सर, सदिश रूप में मैं डेप्थ नहीं लूंगा, इसमें फालतू में अपने को कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। सदिश रूप को मैं पहले सिंप्लीफाई समझा देता हूँ, फिर उसके अर्थ समझा देता हूँ आपको, है ना? तो सर, सदिश रूप में बिल्कुल सिंपल वे में ले रहा हूँ, नॉट एज बुक, बुक की तरह नहीं ले रहा हूँ। उसका कोई रीजन है, क्योंकि यहाँ पर किसी टॉपिक को फालतू में फैला देना वो अपने प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है ना। तो आप सिंपली समझिए, दो अनलाइक चार्जेज अपन मान लेते हैं, यानी वी जाती है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो साहब, ये क्यू वन है, इसको मैंने मूल बिंदु पर रख दिया, और ये बिंदु पी पर मैंने रख दिया क्यू टू, है ना? इसकी पोजीशन अपन वेक्टर आर से बता दें, और यूनिट वेक्टर अपन ने बता दिया आर कैप से, क्योंकि अपन ये अज्यूम करके डिसाइड करके चले कि दोनों अलग अलग, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसका मतलब ये ना समझे कि यही आपको सोचना था, नहीं, आप दोनों को लाइक चार्ज भी मान सकते हैं, यानी दोनों को सेम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव भी मान सकते थे, क्लियर? पर एक तो डिसाइड करना पड़ेगा। अब सब क्यू वन के कारण क्यू टू पर बल, कारण कौन? क्यू वन, बल किस पे देखना है? क्यू टू पर। तो सब क्यू वन के कारण Q2 पर बल, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है साहब, क्लियर? तो कारण Q1 है, बल किस पे देखना है? Q2 पे, क्योंकि अपन ने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माना, तो Q2 Q1 की तरफ क्या होगा? आकर्षित। तो 1 के कारण 2 पर बल, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी 1 के कारण 2 पर बल वेक्टर फॉर्म में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिस्टेंस या स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच की दूरी, तो आर स्क्वायर के बराबर है। अब ये देखो आप, ये अपोजिट टू आर कैप है, यानी एफ वन टू की अगर डायरेक्शन देखें आप, तो आर कैप के विपरीत है, इससे आप यहां क्या लिखाएंगे? माइनस आर कैप। ये तो हो गया साहब क्यू वन के कारण क्यू टू पर बल। इसी प्रकार अगर अपन क्यू टू के कारण क्यू वन पर बल देखें, तो क्यू टू के कारण Q1 पर बल। अब अपन कारण किसे मान रहे? Q2 को, और बल किस पे देखना है? Q1 पे। तो बल देखो Q1 पे, क्योंकि अपन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव यानी विपरीत आवेश मान चुके हैं, तो Q2 के कारण Q1 पर बल, तो Q1 Q2 की तरफ आकर्षित होगा। तो सर 2 के कारण 1 पर बल, वेक्टर फॉर्म में लिख दे F21, है ना? तो सर वेक्टर फॉर्म में लिख दो F21 वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आवेशों का गुणनफल बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन देखना किधर है? इसकी डायरेक्शन अलोंग विद आर कैप है, तो स्वाभाविक है यहां प्लस आर कैप आ जाएगा। ये इक्वेशन टू। अब सब एक व दो से है ना, एक व दो से देखें तो एफ वन टू तथा एफ टू वन परिमाण में समान है, देखें तो दोनों का मान समान, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अगर आप इसको देखें तो कहीं ना कहीं आपको न्यूटन का तृतीय नियम भी दिखेगा, यानी Q1 के कारण Q2 पर बल अगर क्रिया है, तो Q2 के कारण Q1 पर बल उसकी प्रतिक्रिया है। या अपन यहां पर कह दें कि आवेशों के मध्य बल परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। आप बल का मान निकालना चाहते हैं तो चाहे Q1 के कारण Q2 पर निकालें, चाहे Q2 के कारण Q1 पर निकालें, मान तो सेम ही होगा, दिशा परस्पर विपरीत होगी। ये वेक्टर फॉर्म दिखेगी आपको, है ना? अब मैं आपको सही मायने में वेक्टर फॉर्म लेने का अर्थ समझाता हूं। ये तो ठीक है, जो टॉपिक है उसकी फॉर्मेलिटी अपन ने कंप्लीट कर दी इजी वे में, मैं इसके रियल मीन समझाता हूं, है ना? रियल मीन क्या है? देखो साहब, मैंने इस तरह से
इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखा या कूलाम फोर्स को लिखा। यह है सब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है ना। तो यह आवेशों के मध्य बल का क्या है सर, परिमाण। परिमाण है तो दिशा रही, तो इसके अंदर दिशा नहीं। अब दूसरा लिखता हूं, ये मैंने लिखा एफ बराबर 1/4πε0 q1 q2/r² ± rk। प्लस माइनस का भी डिसीजन लेके दिखा देंगे आपको है ना। ये सब सदिश रूप है आवेशों के मध्य बल का। तो ये हुआ सदिश रूप आवेशों के मध्य बल का है ना, और ये हुआ आवेशों के मध्य बल का परिमाण। जब परिमाण लेंगे तो डेफिनेटली उस समय दिशा की जरूरत नहीं पड़ती या दिशा परिमाण के साथ नहीं आती है ना। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए आप ये जानते हैं, तो इसको जानने पर मैं आपसे बल का मान पूछ सकता हूं। इस फॉर्म से, इस रूप से मैं आपसे दिशा नहीं पूछ सकता हूं। तो जब अदिश रूप होगा यानी बल परिमाण के रूप में लिखा होगा, तो आपसे केवल मान पूछने की ही अपेक्षा की जा सकती है, आपसे उस समय दिशा पूछना पॉसिबल नहीं है, है ना। तो जब भी किसी बल का हम अदिश रूप लेते हैं तो दिशा साइलेंट हो जाती है, यानी दिशा प्रेक्षित नहीं होती है ना। अब इधर आओ, सदिश रूप से आप बल का मान तो बताएंगे ही, ये तो आपको दिख भी रहा, इससे आप बल की प्रकृति और दिशा भी बता सकते हैं। प्रकृति व दिशा कैसे सब, तो शॉर्ट में समझें जो आपको याद रखना। सीधी सी बात, आप तो ये शॉर्ट वाली बात याद रखें, अगर कोई बल का सदिश रूप लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं आप है ना, किसी बल का सदिश रूप लिखा है और उसकी डायरेक्शन या उसका वेक्टर फॉर्म में अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप समझ जाओ वह प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। बस इतना सा याद रखो, अगर आप बल को सदिश रूप में लिख रहे हो और बल के सदिश रूप में माइनस चिन्ह आता है सदिश रूप में, तो आप समझ जाइएगा कि आप बल की प्रकृति बता रहे हो, और वो बल की प्रकृति क्या है, आकर्षण। आपने गौर किया होगा 11th में गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते यानी सदिश रूप में लिखते, तो गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव क्या लिखना चाहिए था, माइनस चिन्ह क्यों लगना चाहिए था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या है, आकर्षण, और जिस बल की प्रकृति आकर्षण होगी उसके सदिश रूप में माइनस चिन्ह होगा। क्लियर। यही कारण है कि अगर आप गौर करते हो 11th को गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को, तो उसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक है, उसमें सभी चीज विद्युत विभव भी ऋणात्मक आता है, विद्युत स्थिति सॉरी गुरुत्वीय वो भी ऋणात्मक आता है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी ऋणात्मक आती है। तो आप कभी गौर करना कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, गुरुत्वीय त्वरण को छोड़ दो, गुरुत्वीय त्वरण अपने दिशा से दिखा ही नहीं था, अगर गुरुत्वीय त्वरण को भी दिशा से दिखाते तो वहां भी माइनस चिन्ह आना था, ठीक है सर। लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र को दिखाया अपन ने दिशा से है ना, गुरुत्वीय भो और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा तो अदिश राशि है। लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि वहां आपने देखा होगा चैप्टर में माइनस 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 बहुत जगह दिखेगा, तो माइनस माइनस दिखने का कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव क्या है, आकर्षण। अब जब बल की प्रकृति आकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण बल में माइनस चिन्ह रहेगा, और यह माइनस चिन्ह हर फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का हर सूत्र ऋण चिन्ह लिए हुए है। क्लियर होगी बात है ना। अब आगे चलते हैं,
अब ये तो अपन ने कर लिया कंप्लीट है ना। नेक्स्ट अपने को सदिश रूप के बाद गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का कंपेरिजन, एक छोटी सी तुलना, समानता असमानता, ऐसा कोई बहुत बड़ा है ना। तो साहब ये तो आप लिखें जैसे विद्युत बल 1/4πε₀ q1 q2 r² वेक्टर फॉर्म लिख दें, तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, सॉरी विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकती है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिया। अब इधर मैं लिख देता हूं गुरुत्वाकर्षण बल, खटाखट अपने को इसमें दोनों का तुलना करना है, कोई ज्यादा है ना। अब मैं सारी सारी बातें बोलने दे, पहले आप देखें इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, है ना। तो देखो सर, पहली जो समानता है, दोनों के दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी दोनों में अपोन में दूरी का स्क्वायर है, चाहे वो विद्युत बल हो चाहे वह गुरुत्वाकर्षण बल, पहली समानता होगी। अब समानता नंबर टू, दूसरी समानता ये है कि दोनों के दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों के दोनों केंद्रीय बल हैं, और केंद्रीय बल सदैव क्या होते हैं, सदैव संरक्षी होते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल दोनों केंद्रीय बल हैं, और केंद्रीय बल सदैव संरक्षी होते हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तीसरी समानता देखें साहब, है ना, तीसरी समानता में आपको और क्या चीज दिखती है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ये लिख ही दिया इसमें पहले में व्युत्क्रम वर्ग केंद्रीय बल। अब तीसरी समानता है ना, तीसरी समानता अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बल की न्यूनतम परास नाभिकीय परास के बराबर, यानी 10⁻¹⁵ मीटर, यानी नाभिक में ये दोनों बल एप्लीकेबल नहीं है, नहीं लगाए जा सकते। तो दोनों बलों की न्यूनतम परास 10⁻¹⁵ है, और दोनों बलों की अधिकतम परास अनंत है, क्योंकि अगर मैं r बराबर अनंत रख देता हूं तो गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो सब दोनों बलों की मिनिमम या न्यूनतम परास नाभिकीय परास है, और दोनों बलों की अधिकतम परास अनंत होती, यानी दोनों अनंत तक प्रभावशाली है। क्लियर सर, फॉर्मूलों से दिख ही रहा r बराबर अनंत तो f बराबर जीरो, ये समानताएं। अब असमानताएं देख लें सर, असमानताएं है ना, असमानताओं में क्या है उसको भी गौर कर लें। असमानता में पहली असमानता तो यह है कि विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण व प्रतिकर्षण हो सकती है, आकर्षण तो माइनस और प्रतिकर्षण प्लस। अपन ने पहले डिस्कस कर भी लिया कि समान प्रकृति के आवेश है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश है तो उनके मध्य आकर्षण होगा, ठीक है। तो विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, पिंडों के मध्य प्रतिकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता, ये भिन्नता है। लास्ट दूसरी भिन्नता जिसके कारण अपने को कल या पिछले एपिसोड में इतना लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जी का मान कोई से भी पिंड हो, कोई सा भी माध्यम हो, सदैव इतना ही रहेगा 6.67 × 10⁻¹¹। लेकिन विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, निर्वात में तो ठीक है आप एप्सिलॉन जीरो लिख दोगे, लेकिन अगर जैसे आपने निर्वात से हटाया तो फिर आपको वहां पर एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, यानी माध्यम की विद्युतशीलता रखनी पड़ेगी, जिसके बारे में पिछले अपन लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है ना। तो बच्चों ये
इस बात को समझाने का एक इस टॉपिक को लेने का एक कारण ये भी समझ लो कि इस चैप्टर की बहुत ज्यादा समानता गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से है। ठीक है ना। अब आगे की बात, आगे साहब अध्यारोपण का सिद्धांत है ना साहब, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों क्रिएट हुआ, क्या वजह है, तो वो एक छोटा सा सिंपल सा कारण है जो अभी आपके सामने रख दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लो एक सिस्टम है जिसमें बिंदु आवेश खूब सारे हो सकते हैं, है ना, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे Qn है, खूब सारे बिंदु आवेश एक निकाय में हो सकते हैं। अगर मान लो इस स्थिति में मैं आपसे कहूं बिंदु QP पर एक मैंने Q0 आवेश रख दिया, है ना। अब इस Q0 आवेश पर परिणामी बल बताओ। अब आप इस बात को जानते हो कि कूलाम का नियम अगर आप काम में लोगे तो कूलाम का नियम तो एक समय में दो ही बल अलाउ करता है, जैसे मान लो 1 के कारण या 0 पर 1 के कारण, है ना, ये डिस्टेंस अपन ने मान ली r01, है ना, ये यूनिट वेक्टर अपन ने मान लिया r01 के, तो आप लिख दोगे सब ये 0 पर 1 के कारण फोर्स, तो 1/4πε0 दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 एंड Q0, दोनों के बीच की डिस्टेंस 01 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। मैं आपसे पूछूं Q2 के कारण Q0 पर फोर्स कितना है, तो आप भाई 0 पर 2 के कारण फोर्स, ये डिस्टेंस अपन अज्यूम कर लेते हैं r02 और इधर यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं r, है ना, तो इधर अपन यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं r02 के। ठीक है, यहां मैं आपसे कहूंगा तो 2 के कारण 0 पर आप फोर्स दिखा देंगे 1/4πε0 Q0 इंटू Q2 r02 का स्क्वायर r02 के। अगर मैं आपसे nth में आवेश के कारण बल पूछूंगा तो आप इसको 0 पर n में बल, n में आवेश के कारण बल, ये डिस्टेंस अपन ने अज्यूम कर ली r0n, है ना, तो आपसे ये कहा जाएगा तो आप 0 पर nth में आवेश के कारण बल दिखा देंगे साहब 1/4πε0 Q0 एंड Qn दोनों के बीच की दूरी, ये 0n का स्क्वायर, है ना, और इस दिशा में अपन ने यूनिट वेक्टर मान लिया r0n कैप, है ना, तो आपने यहां कह देना है r0n कैप। तो सब आप इस बात को तो जानते हो कि हर अकेले आवेश के कारण P पर बल कूलाम के नियम से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैंने आपसे हर अकेले आवेश के कारण बल थोड़ी पूछा है, मैंने तो आपसे निकाय के कारण Q0 पर परिणामी बल पूछा है। अब इस परिणामी बल को कौन बताएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत बताएगा। ठीक है बच्चों, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है उस बात को सुनो। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी अकेले आवेश पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है, यानी Q0 पर परिणामी बल, देखना आप ध्यान से, है ना, परिणामी बल किससे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो परिणामी बल 0 पर Q1 के कारण, 0 पर Q2 के कारण, 0 पर Qn के कारण बल के सदिश योग के बराबर, बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है।
बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी अकेले आवेश पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले स्वतंत्र रूप से लगने वाले कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्यू जीरो पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले कूलाम बल का सदिश योग के बराबर। अब आप F01 की वैल्यू रख दीजिए, F02 की रख दीजिए, F03 की रख दीजिए, F0n की रख दीजिए। तो सर ये अध्यारोपण का सिद्धांत है जो उस समय बल की गणना करवा देगा जबकि आपके पास बहुत सारे बिंदु आवेश हों। अब बच्चों क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? आपने 11 में तरंग में भी पढ़ा है, तरंग चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी दो एक बार आएगा, तो मैं बार बार इसको क्यों लूं? आप इसको एक मोटे तौर पर समझ लो कि अध्यारोपण का सिद्धांत एक प्रकार से जोड़ प्रक्रिया है ना, जो जोड़ना सिखाता है। और जो यू कहता उसका मैसेज है कि टोटल या रिजल्टेंट प्रत्येक के कारण योग के बराबर हो। तो मैं इसको बार बार बोलने वाला नहीं हूं। अब मैं इस अध्यारोपण के सिद्धांत को एक न्यूमेरिकल से आपको समझाता, तो अपने एक पंथ दो का जाएगा, एक पंथ दो का इसका मतलब कूलाम लो को भी यूज करना सीख जाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत भी अपन पढ़ लेंगे, अभी सीख लेंगे हाथ के हाथ, तो और एक न्यूमेरिकल की जगह न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम का नियम, ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूं। अब न्यूमेरिकल क्या है साहब? एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस ले ली, है ना, सरल रेखा भी कह सकते हो आप। ये मूल बिंदु, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये 16 सेंटीमीटर, ये मैं इसने लिख रहा हूं, मुझे ये चाहिए वो लिख रहा। तो अपन जो सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल क्या कहता है, अब आप उसकी तरफ फोकस हो, गोल। ये बिंदु एक सरल रेखा पर या एक्स एक्सिस पर सीधे सीधे कह दो 0, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, मतलब 5 पॉइंट है। यहां पर सब जगह एक ही मान वाले आवेश यानी 20 माइक्रोकूलाम, तो सब जगह 20 माइक्रोकूलाम मान वाले धन आवेश हैं, यानी एक ही प्रकृति के आवेश हैं। 20 माइक्रोकूलाम को अपन लिख लें, 20 माइक्रो का मतलब 10^-6 कूलाम। तो साहब यहां पर भी रखा है, यहां पर भी रखा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह क्या रखा है? 20 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। यहां तक भी आप समझिए, 2 सेंटीमीटर पर रखे गए आवेश पर परिणामी बल का मान बताओ, ठीक है साहब। अब यहां पर अपने को परिणामी बल बताना है। इस जगह पर मैंने मान लीजिए क्यू जीरो रख दिया। अपन जानते हैं, अपन डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे तो सब किसके बराबर है? 20 माइक्रोकूलाम। यहां रख दिया मैंने क्यू वन, वही 20 माइक्रोकूलाम। यहां दिखा दिया मैंने क्यू टू, वही 20 माइक्रोकूलाम। यहां दिखा दिया मैंने क्यू थ्री और यहां दिखा दिया मैंने क्यू फोर, सभी 20 माइक्रोकूलाम है। आप उनको क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू जीरो की फॉर्म में ना देखें, वो तो इससे के सवाल को बेटर समझना है तो मैंने उनको डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। अब सबको मैं क्यू 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 लिख दूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज, हालांकि अपन जानते हैं ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू, क्योंकि सबकी वैल्यू तो क्या है, सेम ही है ना भाई, सबका मान तो अपन 20 माइक्रोकूलाम बोल रहे हैं। अब इसका कहना है कि 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा है उस पर परिणामी बल बताइए, ठीक है सब। एक्सेस के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप लिख दें,
आर केब लिख दो, पी केब लिख दो, आई केब लिख दो, जे केब लिख दो। आप जब भी डायरेक्शन दिखाना हो तो किसी को भी केप लगा के लिख दो। एक्चुअली केप लगा के लिख देने से स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू तो अफेक्ट ही नहीं हो रही, मान तो प्रभावित नहीं हो रहा ना, क्योंकि जिसको आप केप कह रहे हो उसका मान तो क्या होता है, ओनली वन होता है, एक होता है ना, इसलिए मैंने आई केप लिख। अब सब क्यू जीरो पर बल कौन कौन लगाएगा, क्यू जीरो पर क्यू वन बल लगाएगा है ना, तो देखो क्यू जीरो पर क्यू वन के कारण है ना बल, इसको जीरो पर वन के कारण लिख दो, एफ जीरो वन कितना सब वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, दोनों आवेशों का गुणनफल। अब देखें तो क्यू वन भी क्यू ही है यानी 20 माइक्रो कूलाम है, क्यू जीरो भी क्यू ही है यानी 20 माइक्रो कूलाम, इन दोनों का गुणा करना है तो क्यू वन इंटू क्यू जीरो दोनों क्यू क्यू है, तो मैंने क्या लिख दिया क्यू स्क्वायर। जिनका गुणा किया है उनके बीच की दूरी, तो जीरो टू सेंटीमीटर के बीच की दूरी कितनी, टू सेंटीमीटर, उसका वर्ग कर दो, तो टू सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिख रखा, इसका वर्ग कर दिया। अब Q1 के कारण बल किस पे देखना है, Q0 पर। अब देखो ये क्या करेगा, सजातीय आवेश है तो ये प्रतिकर्षित करेगा, देख इसकी दिशा क्या हुई आई कैप के अनुदिश, तो ये दिशा लिख दी आई कैप, ठीक है सर। ये Q0 पर Q1 के कारण, अब वही Q0 पर और कौन कौन बल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, तो जीरो पर टू के कारण बल, वही वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, किसके कारण टू के कारण वन पे, जिनके मध्य बल की कैलकुलेशन करोगे उनको गुणा करो तो दोनों मान समान है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तो क्या लिख दूं क्यू स्क्वायर। जिनका गुणा किया है उन्हीं के बीच की दूरी का भाग देना है, तो दो सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर के बीच दूरी कितनी होती है, दो सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर के बीच की दूरी दो सेंटीमीटर ही, दो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया का वर्ग। अब डायरेक्शन Q2 Q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, स्वाभाविक है Q2 के कारण Q0 पर बल की डायरेक्शन। अब ये किधर है, इस दिशा में, यानी अपोजिट टू एक्स। अब अपोजिट टू एक्स है तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, माइनस आई के। अब आ जाओ सब, वही क्यू जीरो पर बल किसके कारण, क्यू थ्री के कारण, जीरो पर थ्री के कारण बल, वही वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, क्यू जीरो और क्यू थ्री जिनके मध्य बल उनका गुणा, दोनों की मात्रा समान है तो वही क्या लिख दूं क्यू स्क्वायर। जिनका गुणा क्या है उनके बीच की दूरी देखो कितनी है, आठ सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर के बीच दूरी कितनी होती है, छह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में और ये स्क्वायर लिख दिया। अब क्यू थ्री क्यू जीरो को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि सभी एक ही प्रकृति के आवेश है, यानी या तो सभी धनात्मक है या सभी ऋणात्मक है ना, प्रतिकर्षित करेगा, तो इस दिशा में एक्स केप के अपोजिट, तो माइनस एक्स केप यानी माइनस आई केप। अब किसके कारण बल और लगना बाकी रहेगा, तो क्यू जीरो पर क्यू वन बल लगाएगा, क्यू टू लगाएगा, क्यू थ्री लगाएगा और क्यू फोर भी लगाएगा, तो सब लास्ट क्यू जीरो पर क्यू फोर के कारण बल, इसको एफ जीरो फोर बोल दें, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, आवेश सब समान है इससे। अब आपने इनका गुणा किया होगा, अब इन्हीं के बीच जिनका मल्टीप्लिकेशन करोगे उन्हीं के बीच की दूरी का भाग देना, कूलाम का क्लियर मैसेज है, दो सेंटीमीटर और सोलह सेंटीमीटर के बीच की दूरी कितनी होती है, चौदह सेंटीमीटर, कन्वर्ट इंटू मीटर का स्क्वायर, स्वाभाविक है ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित ही करेगा सजातीय आवेश है तो यहां भी क्या गया माइनस आई के। तो सब अभी तो मैंने प्रत्येक आवेश के कारण Q0 पर जो बल दिखाया है यह है Q1
कूलाम बल है। अब आपसे पूछा एक एक के कारण, आपसे तो इस पर परिणामी बल पूछा, अब परिणामी बल के लिए किसका किसका उपयोग करेंगे आप, अध्यारोपण के सिद्धांत। तो आप अध्यारोपण के सिद्धांत को लाइव देख रहे हैं और बल निकालने को भी देख रहे हैं, यानी कूलाम के नियम का यूज भी। तो सब क्यू जीरो पर परिणामी बल है ना, लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी परिणामी बल किससे निकालने, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जोड़ दो सभी को, यानी जीरो वन जीरो पर टू के कारण, जीरो पर थ्री के कारण, जीरो पर फोर के कारण। अब मैं एडिशन कर देता हूं, ये सब परिणामी बल। सब में क्या कॉमन आ रहा है, सब में क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्यू स्क्वायर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन ले लिया। आई कैप मैं पीछे की तरफ ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचा, अपॉन टू इंटू टेन की पावर माइनस टू, तो यहाँ बचा टू इंटू टेन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ आई कैप पीछे ले लूंगा तो माइनस छूट जाएगा, यहाँ क्या बचा, माइनस टू इंटू टेन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ भी माइनस छूट जाएगा, बाकी सब वही यहीं से कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस वन अपॉन सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस टू का स्क्वायर। ऐसे फोर्थ में माइनस छूट जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा, माइनस फोर्टीन इंटू टेन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर, ये रह जाएगा सब। अब देखो आई के पीछे कॉमन ले लिया ना, वो जगह नहीं है मेरे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गए, अब सब स्पेस आ जाएगी मेरे पास, तो मैं आपको सब क्लियर दिखाई दूंगा। एफ तो क्यू स्क्वायर ट्वेंटी इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स का स्क्वायर, ये चार्ज तो देख रहे है ना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कितनी थी, नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, ये भी लिख दी। ये दो तो कैंसिल हो गए, अब बचे ये दो, इसमें भी माइनस है ये भी माइनस है, तो मैं माइनस को भी कॉमन ले लूं। अब माइनस को कहां दिखाऊं, तो फिर मेरे को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी है ना, माइनस को दिखाने के लिए। चलो अलग कलर लेता हूं ताकि आपको ये माइनस दिख जाएगा, ठीक है, ये माइनस दिख गया। अब ये माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, अब 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर, तो 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर यानी 10 की पावर माइनस फोर बाहर आ गया, समझिए ना, ये 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर, ये भी 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर। अब 1 अपॉन 6 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 36, माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ प्लस दिखाना पड़ेगा मुझे, 1 अपॉन 14 तो 14 का स्क्वायर, 196 का स्क्वायर, ये आई के है ना। तो थोड़ा सा उधर जगह कम है, आप मैं बता देता हूं, वहां जो इस जगह लिख रहा है वो ये लिख रहा है, तो मैंने क्या करा, 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया यानी 6 रह गया, तो 6 का स्क्वायर मैं लिख दिया 36। अगला जो आपको नहीं दिख रहा, वहां भी मैंने 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 4 बार दिया, और 14 का स्क्वायर मैंने 196 दिया। स्पेस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेज कीजिए है ना। अब एफ इज इक्वल टू नेगेटिव लिख दिया, अब 20 20 400, ठीक है, 10 की पावर माइनस 12, 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 फाइनल कर देंगे। अभी यहां एलसीएम ले लिया अपन ने, 36 इंटू 196, तो ये आ गया 196 प्लस 36 आई के है ना। अब अप्रोक्सीमेटली फाइनल आंसर की तरफ आने लग गया अपन, माइनस देखो पावर ये 9 और ये 2 है ना, व्हाइट पेन ले लूं मैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दे, ये 2 और ये 9, 11 पॉजिटिव पावर होगी और 12 नेगेटिव है, तो माइनस की 1 बची पावर, पावर ऊपर देखें तो है ना, 9 फोर जा यानी 9 चौक 36, ये 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 1, तो कितना रह गया ऊपर आने के बाद,
10 के पावर माइनस 3 बचा, ऊपर आएगा तो ठीक है सब बिल्कुल क्लियर दिख गया ना, ये माइनस 1 एक पावर काट दी तो माइनस 3 अपॉन में बटे में पड़ी है, उसको ऊपर लाएंगे तो स्वाभाविक माइनस प्लस में। अब इधर आ जाए है ना, इधर अपने पास ये तो दिख रहा है 36 इंटू 196 आई के है ना, इन दोनों को ऐड करें तो 2 1 और ये 3 232 देख लेना, थोड़ा बहुत ही तो कैलकुलेशन, ये 36 कैंसिल बाय 36 एफ इज इक्वल टू माइनस, अब 196 का डिवीजन करना है तो 1.14 अराउंड होगा 10 की पावर माइनस 3 आई के, यानी फोर्स जो है वो कितना लग रहा, सॉरी माइनस नहीं प्लस से पावर है ना, जो क्यू जीरो पर बल है वो कितना है 1.14 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में, माइनस आई केप डायरेक्शन में, यानी एक्स अक्ष के अपोजिट है ना। तो सब इस सवाल के द्वारा दो चीजें हम सीख सकते हैं, एक तो कूलाम का नियम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सीख लिया, एक अध्यारोपण का सिद्धांत हम कैसे काम में लेते हैं वो आपके सामने दिखा दिया है ना। कूलाम के नियम के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कहता हूं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आगे के टॉपिक लेंगे है ना। एक छोटे से न्यूमेरिकल में मैंने साहब 8 सेंटीमीटर दूरी पर है ना दो आवेश ले लिए, एक है बिंदु ए पर तो दिखा दिया मैंने प्लस 9 ही, और ये बिंदु बी पर मैंने दिखा दिया प्लस ई। छोटा सवाल है फिर आगे बढ़ना है ना। अब सब ये कहता है तीसरा आवेश स्मॉल क्यू कहां रखें कि वह साम्य अवस्था में रहे या संतुलित अवस्था में रहे है ना। तो आपको एक आवेश क्यू कहीं रखना है बीच में, कहां रखना है यह आपको बताना है। शर्त यह है कि जिस आवेश को आप रखने जा रहे हो वो संतुलित अवस्था में होना चाहिए। तो सब मान लीजिए वह तीसरा आवेश हमने प्लस 9 से एक्स दूरी पर रखा, यह सब बिंदु पी पर रख दिया, वो आवेश क्यू है। तो स्वाभाविक है इससे उसकी दूरी कितनी होगी 8 माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शर्त यह है कि क्यू संतुलित अवस्था में रहना चाहिए या साम्य अवस्था में होना चाहिए। साम्य अवस्था का सीधा सीधा मतलब है कि उस पर बल का परिणाम ही शून्य हो। तो सर क्यू के संतुलन हेतु, अब क्यू के संतुलन के लिए क्यू पर बल कौन कौन लगाएगा, एक तो प्लस 9 ही लगाएगा, एक प्लस ही लगाएगा, दो ही लगाएंगे क्योंकि है ही यहां पे। तो सब क्यू के संतुलन के लिए 9 ई के कारण बल और ई के कारण बल बराबर होने चाहिए है ना, और विपरीत दिशा में होने चाहिए। अब मैंने बराबर होने चाहिए ही लिखा, विपरीत दिशा में होने चाहिए नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा कारण समझे ध्यान से। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होता तो प्लस 9 इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्लस ई भी इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो बल तो नेचुरली विपरीत दिशा में ही आ रहा है, बल तो ऑटोमेटिक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं डायरेक्शन को क्यों लूं। अगर मान लीजिए ये प्लस नहीं होता ये माइनस होता तो 9 ई इसे अट्रैक्ट करता और प्लस ई भी इसे अट्रैक्ट करता, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आवेश क्यों रखा है वो पॉजिटिव हो तो भी बल विपरीत दिशा में होंगे और नेगेटिव हो तो भी बल विपरीत दिशा में होंगे। बल विपरीत दिशा में तो है ही,
तो दिशा में क्यों लू? बस मैं यही कह दू ने कि दोनों बल बराबर होने चाहिए, तो परिणाम बल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। तो आप कई जगह पर सदिश को अवॉइड कर सकते हो या कई जगह आप सदिश से बच सकते हो। जैसे यहां पे सदिश से बचाया जा सकता था, बचा लिया। अब 9e के कारण q पर बल कूलम्ब के नियम से 1/4πε0 9e के कारण q पर बल है ना। कूलम्ब ने साफ कहा है कि मुझे आवेश के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने आवेश का चिन्ह नहीं देखा, ओनली 9e के कारण q पर बल। कूलम्ब कहते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करोगे उन्हीं के बीच की दूरी का वर्ग लेना है, तो मैंने इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इनके बीच की दूरी x2। अब e के कारण q पर बल, तो कूलम्ब के अकॉर्डिंग 1/4πε0 e के कारण q पर बल। अब देखो कारण e है, प्लस चिन्ह लेना है, बल किस पर? q पर। जिनके मध्य बल उनको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान रखो जिनका मल्टीप्लिकेशन किया है उनके बीच की दूरी का स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एट माइनस एक्स। तो सब बीच की दूरी का वर्ग कर दिया, एट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 4πε0 कैंसिल हो ही गया, क्यू कैंसिल हो ही गया, ई कैंसिल हो ही गया, आपका शुद्ध रूप से बचता है 9/x2 और उधर बचता है 8-x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्गमूल ले लो, तो रूट लेने पर ये आ गया 3/x और इधर आ गया 1/8-x। ये देखो सब सिंपल ही आ गया, बस क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इधर कर दो एक्स से, x(1)=x, इधर 8 + 24 एंड 3x, तो कुल मिला के हो गया 4x=24, यानी x=24/4, तो आंसर आ गया 6 cm। यानी हम दोनों को मिलाने वाली रेखा पर आवेश रखें तो वो आवेश कहाँ होना चाहिए? 6 cm दूर होना चाहिए। किससे? प्लस 9e से। क्लियर साहब? तो सब न्यूमेरिकल के ऐसे बीच बीच में प्रकार हैं। चलो एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा एक साथ करवा देते हैं जिसमें दोनों चीजें आ जाए। दोनों चीजें आ जाएगा मतलब जिससे उसमें मान भी आ जाए और उसमें प्रकृति भी आ जाए, है ना सर? तो सब एक सवाल और देखें आप। जैसे मान लो दो आवेश हैं, एक +4q और एक दूसरा, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन खींचनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन खींचते मजा नहीं आता ना सर। तो स्ट्रेट लाइन खींचते अपन, अच्छा वाइट है ना। तो सब एक +4q एक +q, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इन दोनों के बीच की दूरी है डी, है ना। क्लियर? अब ध्यान से समझना बात को थोड़ा सा, है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है। अब सवाल पिछले सवाल से अलग है। यहां पर मैं ये सिखाना चाहता हूं कि जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो सवाल को ध्यान से पढ़े, वो कहना क्या चाहता है। अब ये कह रहा है कि तीसरा आवेश क्यू दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि निकाय संतुलन अवस्था में हो। अब ये नहीं कह रहा कि वो क्यों संतुलन अवस्था, अब कह रहा हूं निकाय संतुलन अवस्था। निकाय का मतलब तो ये और जिसको रखेंगे वो तीनों हो गए, निकाय में तीन आवेश है। तो कह रहा निकाय संतुलित अवस्था में रहे और जो आपने रखा उस आवेश का मान भी बताओ। तो सब सवाल में अंतर है। पहले अपन ने कहा था कि जिससे रख रहे हैं वो संतुलित अवस्था में हो, तो बाकी को तो देखना ही नहीं था। लेकिन ये कह रहा है कि इन्हें मिलाने वाली रेखा पर कोई आपको तीसरा आवेश रखना है ना। तीसरा आवेश रखना है, इस तरह से रखना है कि निकाय संतुलित अवस्था में हो, और आपको यह भी बताना है
कि जो तीसरा आवेश है वो किस प्रकृति का होना चाहिए। तो सब मैंने ये तीसरा आवेश रख दिया क्यू, प्लस फोर क्यू सब मैंने रख दिया ये एक्स डिस्टेंस पर, तो प्लस स्मॉल क्यू से ये दूरी होगी डी माइनस एक्स। ठीक है सर, डिस्टेंस वगैरह तो पहले की तरह ही है। अब ध्यान से समझे आप, क्लियर, ध्यान से क्या समझना है वो देखें आप, है ना। अब आपने को क्यू की वैल्यू भी बतानी है और अपने को ये एक्स भी बताना है, तो आप कितनी अननोन क्वांटिटी याद करने जा रहे हो, दो अननोन क्वांटिटी, छोटी छोटी बातें। आप दो अननोन क्वांटिटी याद करने जा रहे हो तो आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन। तो जब तक आपके पास दो इक्वेशन ना आए तब तक आप इस सवाल को प्रोसीड ही मत करना, एंटरटेन ही मत करना, एक इक्वेशन से कुछ होने वाला ही नहीं है। ठीक है सर, अब मेरे को दो इक्वेशन बनानी है क्योंकि दो क्वांटिटी अननोन है, ये सिंपल सिंपल से फंडा है। तो सब ये कह रहा है निकाय संतुलित अवस्था में हो, तो निकाय में फोर क्यू पर भी परिणामी बल जीरो होना चाहिए, स्मॉल क्यू पर भी परिणामी बल जीरो होना चाहिए और प्लस कैपिटल क्यू पर भी परिणामी बल जीरो होना चाहिए। तीनों पर बल का परिणामी जीरो हो तो कहेंगे निकाय संतुलित अवस्था में है। अब अपने को दो इक्वेशन चाहिए तो दो को चेक कर लेते हैं। तो साहब सबसे पहले अपन कहते हैं प्लस फोर क्यू के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, ठीक है सर। अब मैं पहले इसका बैलेंस देखता हूं, बताओ प्लस फोर क्यू पे कौन कौन बल लगाएगा, स्वाभाविक है कैपिटल क्यू लगाएगा तो प्लस प्लस के बीच में तो प्रतिकर्षण होगा ही। तो सब कैपिटल क्यू के कारण ये बल आपको पता पड़ रहा है क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण, क्लियर है ना। अब स्वाभाविक रूप से वह बल प्रतिकर्षण है तो ये बल क्या होना जरूरी है, आकर्षण है ना, इसका आकर्षण होना जरूरी है, इसका स्मॉल क्यू, तभी बल का परिणामी शून्य होगा। अगर ये भी प्रतिकर्षित करने लगेगा तो परिणामी बल जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये तो आपको पता पड़ गया होगा कि स्मॉल क्यू नेगेटिव है, कंफर्म, क्योंकि ये प्लस जो है प्लस, ये तो प्लस को रिपल करेगा ही करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ही करेगा, तो कैपिटल क्यू के कारण प्रतिकर्षण। तो फिर स्मॉल क्यू के कारण क्या होना चाहिए, स्मॉल क्यू के कारण होना चाहिए आकर्षण, है ना। तो अब तो दिशा दिखानी पड़ेगी, दिशा दिखानी पड़ेगी तो यहाँ पे मैंने एकांक सदिश ले लिया आर के, कर लेते हैं। तो सब फोर्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, दोनों जिनके मध्य बल उनका गुणा, तो फोर क्यू और क्यू के मध्य बल, तो फोर क्यू इंटू क्यू का गुणा कर दो, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, फोर क्यू और क्यू के बीच की दूरी डी, डी स्क्वायर। अब प्रतिकर्षण तो आर केप के विरुद्ध है तो क्या लिख दूं, माइनस आर केप, ठीक है सर। अब इधर आ जाओ, है ना, क्यू के कारण, तो क्यू के कारण वही वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, जिनके मध्य बल उनका तो गुणा कर दो फोर क्यू इंटू स्मॉल क्यू, उनके बीच की दूरी, तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, उसका वर्ग कर दो, ये आकर्षण कर रहा है यानी r कैप की दिशा में है। अब देखो 1 upon 4 pi epsilon 0 कट गया, 4 q कट गया और आपका r कैप भी कट ही गया, है ना, तो क्या बचा q upon d square, ये माइनस उधर शिफ्ट कर दूं, इज इक्वल टू माइनस q upon x square। ये सब मैंने 4q का संतुलन लिया, एक समीकरण बनी। मैंने जानता हूं अननोन क्वांटिटी यानी अज्ञात राशियां दो हैं, इसलिए मेरे को एक और समीकरण लेना आवश्यक है ना। तो सब अब दूसरा इसका संतुलन ले लेते हैं, तो सब प्लस कैपिटल Q के संतुलन के लिए, है ना, संतुलन के लिए, ठीक है। फोर क्यू तो इसे प्रतिकर्षित करेगा ही करेगा, तो दिख ही रहा, वो तो पॉजिटिव हो जाए, तो स्मॉल क्यू इसे क्या करे, आकर्षित करे,
तो सब फोर क्यू के कारण तो प्रतिकर्षण, फोर क्यू के कारण प्रतिकर्षण, फोर क्यू के कारण क्यू पर बल, जिनके मध्य उनका तो गुणा आवेश का चिन्ह नहीं लेना, कूलाम में आवेश का चिन्ह नहीं लेते हैं, ये आपको 50 बार बता चुका हूं। तो सब फोर क्यू के कारण कैपिटल क्यू पर बल, जिनके मध्य उनका मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब उन्हीं के बीच की दूरी का भाग देना है, जिनके मध्य जिनका गुणा करते हो ना, उन्हीं के बीच की दूरी का भाग, तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, इनके बीच की दूरी डी है, तो इसका ही बल। अब 4q उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा आ रही है आर के, या आर के लिख दी सब है, तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं आपको। अब स्मॉल q के कारण बल, वो आकर्षण होना चाहिए, ये ध्यान रखें, क्योंकि अगर स्मॉल q ने आकर्षित नहीं किया तो परिणाम बल जीरो नहीं हो सकता है ना। स्मॉल q के कारण कैपिटल q पर बल, तो वही 1/4πε0, जिनके मध्य बल उनका तो कर दो गुणा, क्लियर है ना, और उनके बीच जिनका गुणा किया उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है d माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये आकर्षण है इस दिशा में, तो माइनस r के, तो सब 1/4πε0 कैंसिल हो ही गया, कैपिटल Q कैंसिल हो ही गया, और आपके पास बचता है वह ले देकर 4q/d² = आर के बार के कट गया, तो इधर क्या बचता है माइनस स्मॉल क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपकी दूसरी समीकरण, बस अब हल आएगा, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि कभी भी दो अज्ञात राशि तो दो समीकरण चाहिए, तीन अज्ञात राशि तो तीन चाहिए, चार है तो चार चाहिए, है ना बच्चों। अगर दो अज्ञात राशि या तीन अज्ञात राशि और दो समीकरण, तो सोल्व ही मत करो, हुआ सोल्व नहीं होगा, है ना। तो सब q अपॉन d स्क्वायर का वैल्यू कहां से पुट कर दें, x से पुट कर दें, करो सब 4q/d² की वैल्यू पुट कर दी, माइनस स्मॉल q अपॉन x² = -q/d - x² माइनस कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, वर्गमूल ले ले, 4 का वर्गमूल 2, x² का x, इधर d - x² का d है, x को इससे 1 से गुणा किया, और इधर 2d - 2x, तो कितना हो गया साहब ये 3x = 2d, यही वन है, इसलिए x = 2d/3। तो पहला आंसर आ गया कि आवेश q कहां पर रखना चाहिए, आवेश q 4q से, इसे 4q से है ना, कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 2d/3 दूरी पर रखना चाहिए। अब x का मान कहीं भी पुट कर दो, एक में कर दो, स्मॉल q आ जाएगा, एक में कर देते हैं ना, एक्स है ये, एक में पुट कर देते हैं, क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, 2d का स्क्वायर 4d² और 3 का स्क्वायर 9, तो सब ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, यानी कैपिटल क्यू बराबर माइनस ये 9 ऊपर गया, 9/4 स्मॉल क्यू, तो बोलो फिर क्यू का मान कितना हुआ, क्यू बराबर माइनस 4/9 कैपिटल क्यू, ये आपका सेकेंड आंसर है ना। तो ये दूसरा आंसर आ गया जिसमें अपन ने बता दिया कि वह आवेश ऋणात्मक होना चाहिए, तो अभी देख लो इधर भी आकर्षण उधर भी आकर्षण है ना, और वह कहां रखा होना चाहिए, यहां रखा होना चाहिए, जैसे इस आवेश को, ये इतने मान वाले आवेश को प्लस 4q से इतनी दूरी पर रख देंगे तो इस पर भी बल का परिणाम ही जीरो होगा, इस पर भी बल का परिणाम ही जीरो होगा, इस पर भी बल का परिणाम ही जीरो होगा। तो बच्चों कूलाम का नियम, सदिश रूप, उसकी गुरुत्वीय बल से या गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, और कुछ जो न्यूमेरिकल अपन ने डाले वो बीच में
ये कंप्लीट हो चुका है। अब आज इतना ही, नेक्स्ट न्यू टॉपिक अगले एपिसोड से। थैंक यू वेरी मच।